नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड इंग्लिश का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आज का वीडियो चैप्टर 9 सिक्किम पर है। इसे ऊपर के सभी अध्यायों को, 8वें अध्याय को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 9 सिक्किम पर। देखिए, यह है आपका अध्याय 9 सिक्किम। आपको पता होगा आपके भारत देश में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। उस 28 राज्यों में से एक सिक्किम राज्य भी है। इसी सिक्किम के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले इस अध्याय के जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स होंगे उसको मैं आपको लिखवाऊंगा, बता दूंगा, आप उसे अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। फिर इसका हिंदी अर्थ भी मैं समझाते चलूँगा अच्छे से। उसके बाद अंत में इस अध्याय के जितने भी प्रश्नावली में अभ्यास प्रश्न होंगे उनका एंसर भी करवाऊँगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ से कुल यहाँ तक का जो भी टफ वर्ड मीनिंग्स है उसको आप अपने कॉपी में लिख ले, यहाँ से यहाँ तक का। देखिए, ईवर मतलब होता है कभी, विजिट यात्रा करना, माउंटेनियस मतलब पहाड़ी, हैबिट मतलब आदत, क्लाइमेट मतलब मौसम, टीनी का होता है मतलब छोटा, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, प्लेट्यू मतलब पठार, वैली मतलब घाटी, किंगडम मतलब साम्राज्य, इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी, लिस्ट मतलब सबसे कम, पॉपुलेटेड मतलब आबादी वाले, ठीक है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से समझते चलेंगे। देखिए, हैव यू एवर विजिटेड ए माउंटेनियस स्टेट, क्या आपने कभी किसी पहाड़ी राज्य का यात्रा किया है? इफ येस, अगर हाँ, मतलब अगर हाँ आपने यात्रा किया है, टेल क्लास अबाउट इट्स पीपुल, फूड हैबिट्स, ड्रेसेज, क्लाइमेट इटीसी। अगर हाँ आपने पहाड़ी राज्य का यात्रा किया है तो अपने कक्षा में सबको वहाँ रहने वाले लोग, उनके खाने पीने की आदतें, उनका पहनावा, है ना, वहाँ का मौसम इत्यादि के बारे में बताएं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। सिक्किम एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जो पूर्वी हिमालय के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाई द तिब्बतियन प्लेट्यू इन द नॉर्थ। यह यानी सिक्किम उत्तर में तिब्बत का पठार से घिरा हुआ है। द चुंबी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ नेपाल इन द ईस्ट, नहीं नेपाल नहीं, भूटान इन द ईस्ट। इसके पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी है तथा भूटान का राज्य है, ठीक है। नेपाल इन द वेस्ट, इसके पश्चिम में नेपाल है, एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और दक्षिण में दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आगे देखिए, इन 1975 में सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। आगे देखिए, इट हैज ओनली 5,40,493 इनहेबिटेंट्स, मतलब यहाँ की आबादी यानी निवासी मात्र 5,40,993 ही है, ठीक है। एंड ए टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ का कुल क्षेत्रफल मात्र कितना है, 7,096 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, अब इसको हम थोड़ा मैप पर समझ लेते हैं। देखिए, यह है आपका भारत, और अभी आपने पढ़ा कि सिक्किम जो है वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है सिक्किम, ठीक। और आपको पता है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वह पूरा क्या है, हिमालय से भरा हुआ है, ठीक। और इसी पूरा हिमालय के बीचों बीच में यह राज्य है, कौन सा राज्य, सिक्किम, ठीक। इस राज्य के उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है ना। इसके पूर्व में क्या है, भूटान है, देखिए यहाँ पे भूटान है। इसके पश्चिम में क्या है, नेपाल है, देखिए यह नेपाल है। और इसके पूर्व में, इसके दक्षिण में क्या है, दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल, देखिए यह पश्चिम बंगाल का पूरा इलाका है, ठीक है। तो यही समझा रहा था आपको किताब में।
अब आगे हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। कॉम्बिनेशन मतलब मेल या जोड़, देयर फोर मतलब इसलिए, पैलेस मतलब महल, रिफरेंस मतलब संदर्भ, बिल्ट मतलब बनाया, रूलर मतलब शासक, वैली ऑफ राइस का मतलब है चावल की घाटी। देखिए द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मतलब सिक्किम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा शब्द के मेल से बना है? सु एंड खाइम, ठीक है, सु एंड खाइम। सु मीन्स न्यू, सु का मतलब है नया, एंड खाइम मीन्स पैलेस और हाउस, और खाइम मतलब होता है महल या घर, ठीक है, समझते चलेंगे आप अच्छे से। देयरफोर इसलिए, अतः, द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस, इसलिए इस शब्द का अर्थ है नया महल या नया घर। इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाई द स्टेट्स फर्स्ट रूलर फुंगसुक नामग्याल, जो इस राज्य के पहले शासक फुंगसुक नामग्याल के द्वारा बनवाए गए नए महल के संदर्भ में रखा गया, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि सिक्किम का जो सबसे पहला राजा था, पहला शासक था, उसने एक अपने लिए, अपने रहने के लिए एक नया घर बनवाया था। उस घर का नाम क्या रखा था? सुखैम, ठीक है। उसी सुखैम के नाम पर उस पूरे सिक्किम राज्य का नाम क्या पड़ गया? सिक्किम पड़ गया, ठीक। द तिब्बतीय नेम फॉर सिक्किम इज डेंजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस, तिब्बती भाषा में सिक्किम का नाम डेंजोंग है, ठीक है। तिब्बत लोग इसे क्या कहते हैं? सिक्किम को डेंजोंग कहते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब है वैली ऑफ राइस, चावल की घाटी, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप लिख लें। इंक्लूड मतलब शामिल, हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, कैपिटल राजधानी, लिटरली वस्तुतः सच में या शाब्दिक, हाई हिल मतलब ऊंची पहाड़ी, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, स्नो मतलब बर्फ, क्लैड मतलब ढका हुआ, पिक मतलब चोटी, रिगार्डेड मतलब मानना, गार्जियन मतलब अभिभावक, डाइटी मतलब देवता। तो देखिए सिक्किम इज डिवाइडेड इंटू फोर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब सिक्किम चार जिलों में बटा हुआ है, विच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम, जिसमें पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम शामिल है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गैंगटोक, गेजिंग, मंगन एंड नामची रेस्पेक्टिवली। इन जिलों का मुख्यालय क्रमानुसार है गंगटोक, गेजिंग, मंगन और नामची, ठीक है। देखिए क्रमानुसार का मतलब यह हुआ कि ईस्ट सिक्किम का ये मुख्यालय है गंगटोक, है ना, वेस्ट सिक्किम का मुख्यालय है गेजिंग, नॉर्थ सिक्किम का मंगन और साउथ सिक्किम का नामची, ठीक है। आगे है गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, लिटरली मीनिंग ए हाई हिल, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊंची पहाड़ी, ठीक है। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ स्नोक्लैड कंचनजंगा, यहाँ से बर्फ से ढका हुआ कंचनजंगा का अद्भुत नज़ारा दिखता है। देखिए कंचनजंगा जो है यह सिक्किम से कितना शानदार दिखता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, और जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी है, मतलब यह जो कंचनजंगा है यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी है, ठीक है। विच इज रिगार्डेड एज द गार्जियन डेइटी ऑफ सिक्किम, जिसे सिक्किम के लोग अपने अभिभावक और देवता के समान मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप अपने कॉपी में लिख लें ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। रिच मतलब धनी या समृद्ध, फ्लोरा मतलब वनस्पति यानी पेड़ पौधे, फौना मतलब जीव जंतु, स्ट्रीम्स मतलब जलधारा, एंशियंट मतलब प्राचीन पुराना, मोनास्टरीज मतलब मठ, लेक्स मतलब झील झीलें, लियोपार्ड तेंदुआ, डियर हिरन, बियर भालू, उल्फ भेड़िया,
रियर्ड मतलब होता है पालना या पोसना, ठीक। बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझ उठाना, बोझ उठाने वाला जो पशु होता है उसको कहते हैं। अब देखिए आगे, सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, स्ट्रीम्स, एंशियंट मोनास्ट्रीज एंड लेक्स, मतलब वनस्पति, जीव जंतु, जल धाराओं, प्राचीन मठ और झीलों के लिए सिक्किम राज्य क्या है, समृद्ध है, मतलब धनी है, ठीक है। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स, मतलब सिक्किम के वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधे में मुख्य रूप से निम्न वनस्पतियाँ शामिल है। देखिए, रोडोडेंड्रोन द एस्टेट ट्री, रोडोडेंड्रोन जो है इसको वहाँ का राजकीय वृक्ष माना गया है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर वृक्ष है रोडोडेंड्रोन, ठीक है। आगे है आर्किड, ठीक है। इसके बाद है फिग, जिसको गुलर भी कहते हैं, आप जानते हो गुलर का पेड़ जानते होइएगा आप, है ना। आगे है बनाना, बनाना का मतलब होता है केला का पौधा, यह तो आपके यहाँ भी होता है, ठीक। इसके बाद देखिए साल ट्री, यह जंगलों में पाया जाता है, यहाँ सिक्किम में खूब होता है। उसके बाद देखिए बम्बू, बांस, जो आपके यहाँ भी होता है, होता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यह सिक्किम में भी खूब होता है, ठीक है। तो ये सब जो है यह सिक्किम में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आगे है ओक, देखिए जिसका पौधा यह है ओक, है ना। उसके बाद है चेस्टनट, अखरोट, ठीक है, मैपल, ठीक, बर्च, उसके बाद है अल्डर एंड और मैग्नोलिया, देखिए यह है मैग्नोलिया, ऑल्सो ग्रोन इन लार्ज नंबर्स, मतलब ये सब जो है यह सब भी यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे है द आर्किड डेंड्रोबियम नोबिल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, मतलब आर्किड डेंड्रोबियम नोबिल यह जो पौधा है, देखिए ये फूल है, यह सिक्किम का राजकीय फूल है, देखिए कितना सुंदर है, ठीक है। आगे है द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स, मतलब सिक्किम के जीव जंतुओं में मुख्य रूप से निम्न आगे ये सब जंतु है यह सब शामिल है। देखिए कौन कौन है, एस्नो लियोपार्ड, ठीक है, जिसको बर्फीला तेंदुआ भी कहते हैं, है ना। अगला है द मस्क डियर, जिसको कस्तूरी हिरन भी कहते हैं, है ना, बड़ा सुंदर लगता है दिखने में। द भोराल, उसके बाद है हिमालयन थार, ठीक है, हिमालय में यह एक जीव है, जंतु है, हिमालय में पाया जाता है, पहाड़ों में पाया जाता है। उसके बाद है द रेड पांडा, देखिए कितना सुंदर है यह जीव, रेड पांडा नाम है इसका। उसके बाद है द हिमालयन मैरोट, मैरोट नहीं मारमोट, है ना, हिमालयन मारमोट, यह सब पहाड़ी जीव है, ठीक है। उसके बाद है देखिए द शेरो, इसके बाद आगे है देखिए द गोराल, है ना, यह सब नाम ही है, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ नहीं है, यह सब इन जीवों का नाम है। उसके बाद है द बार्किंग डियर, भोंकने वाला हिरन। इसके बाद है द कॉमन लंगूर, लंगूर तो आप जानते ही होइएगा, चिड़ियाघर में देखा होइएगा। इसके बाद है द हिमालयन ब्लैक बियर, है ना, काला रंग का भालू, पहाड़ों में रहने वाला। इसके बाद है क्लाउडेड लियोपार्ड, है ना, तेंदुआ। इसके बाद है द मार्बल्ड कैट, यह एक प्रकार का बिल्ली है। इसके बाद है द लियोपार्ड कैट, है ना, यह भी एक प्रकार का बिल्ली ही है, तेंदुआ के जैसा। अगला है द वाइल्ड डॉग, ठीक है, यह जंगली कुत्ता है। अगला है द तिब्बतियन वुल्फ, है ना, तिब्बती भेड़िया, ठीक है। अगला है द हॉग बेजर। इसके बाद है द विंटू रोंग, अजीब अजीब तरह का जानवर जो आप तो नहीं देखे होइएगा, हम भी गूगल से सर्च करके यहाँ सब चित्र निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। अगला है द जंगल कैट। इसके बाद है द सीवेट कैट, है ना, यह सब बिल्ली है। अगला है, आगे कह रहा है अब, एमंग द एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड आर याक्स, मतलब इन सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर याक पाए जाते हैं, ठीक है, देखिए यही है याक। मेनली रियर्ड फॉर देयर मिल्क मीट एंड एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, इसका मतलब हुआ कि इसे मुख्य रूप से दूध, मीट और सामान ढोने के लिए इसे पाला पोसा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे है द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम। देखिए इसमें टफ वर्ड मीनिंग्स तो कोई है नहीं, सब इंग्लिश शब्द भी है, शब्द ही हैं, ठीक है। सब चिड़िया का नाम सब है, सब इंग्लिश में ही है। तो देखिए द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड, मतलब सिक्किम में जो चिड़िया पाई जाती है वह मुख्य रूप से कौन कौन सा है, देखिए इसको समझिए। इम्पियान फिजेंट है ना, देखिए यह एक प्रकार का तीतर है, ठीक है, कितना सुंदर है। उसके बाद देखिए द क्रिम्सन हॉर्न फिजेंट है ना, यह भी एक अलग तरह का तीतर है, सिंह वाला तीतर, ठीक है। इसके बाद आगे है द स्नो पार्टीज, ठीक, यह भी एक प्रकार का तीतर ही है। इसके बाद है द स्नो रोस्टर है ना, यह एक प्रकार का मुर्गा है जो बर्फ में रहता है। इसके बाद है द लैमर गियर एंड ग्रीफोन वल्चर्स, ठीक है। इसके बाद है एज वेल एज गोल्डन ईगल्स है ना, सुनहला बाज, ठीक है। उसके बाद है क्वेल, या ऐसा है। उसके बाद है प्लोवर्स, उसके बाद है वुडकॉक, इसके बाद है सैंड पीपर्स, इसके बाद है पीजन जिसको कबूतर कहते हैं, आपके यहाँ भी होता होगा यह कबूतर। इसके बाद है बैबलर्स और यह है रोबिन्स, ठीक है। तो यह सभी चिड़िया जो है यह कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन सिक्किम, मतलब सिक्किम में मिलता है सब, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो इस पैराग्राफ में जितने भी टफ वर्ड्स है इसको आप लिख लें। प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मुख्य रूप से, इनहैबिटेड मतलब बसे हुए, लिंगुआ फ्रांका मतलब होता है सामान्य बोली की भाषा, और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। तो देखिए सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाई द लेप्चा, द नेपालीज एंड द भूटियाज। इसका मतलब हुआ सिक्किम में मुख्य रूप से लेप्चा, नेपाली और भूटिया लोग बसे हुए हैं, ठीक है। आगे है नेपाली इज द लिंगुआ फ्रांका ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम में सामान्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ का लिंगुआ फ्रांका क्या है, नेपाली है, मतलब यहाँ मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है। आगे है इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम में अंग्रेजी और हिंदी भाषा भी बोली और समझी जाती है, ठीक है। स्पोकन मतलब बोली और अंडरस्टूड मतलब समझी जाती है। आगे है अदर लैंग्वेजेज स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड, मतलब अन्य भाषाएं जो सिक्किम में बोली जाती हैं वे हैं भूटिया, गुरुंग, लेपचा, लिंबू, मगर, नेवाड़ी, राय, शेरपा, सुमार, तमांग, है ना। यह सब देखिए भाषा का नाम सब है जो कहाँ बोला जाता है, सिक्किम में बोला जाता है, ठीक है। अब इस अध्याय के अंतिम दोनों पैराग्राफ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप अपने कॉपी में लिखते चले। देखिए रूरल का मतलब है ग्रामीण, कार्डेमो मतलब इलायची, जिंगर मतलब आदि, ऑरेंज संतरा, एप्पल सेब जानते ही होंगे आप, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, मिनरल्स मतलब खनिज, और माइंड का मतलब होता है जमीन से खनिज निकालना, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, फॉलो मतलब मानना, एसोसिएटेड मतलब संबंधित, ठीक है। तो देखिए द पीपुल इन द रूरल एरियाज ग्रो कार्डेमोम, जिंगर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्किड्स। इसका मतलब हुआ गांव में रहने वाले लोग, मतलब ये सिक्किम के गांव में रहने वाले लोग मुख्य रूप से इलायची आदि, संतरा, सेब, चाय और ऑर्किड की खेती करते हैं, ठीक है। राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड ऑफ द साउदर्न एरियाज, मतलब सिक्किम के दक्षिण भाग के पहाड़ों पर धान की खेती भी की जाती है, ठीक है। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमोम इन इंडिया, मतलब सिक्किम भारत का सबसे ज़्यादा इलायची उत्पादन करने वाला राज्य है, मतलब इलायची सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है, सिक्किम में। आगे है द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन एंड कोयला, मतलब सिक्किम में मुख्य रूप से जो खनिज निकाले जाते हैं वह कौन कौन सा खनिज है, कॉपर है, तांबा, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ग्रेफाइट है ना, माइका है, आयरन है, लोहा, उसके बाद कोयला है, ठीक। आगे है द पीपुल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल्स सच एज दिवाली एंड दशहरा,
मतलब सिक्किम के लोग भारत के मुख्य त्योहारों को जैसे दिवाली और दशहरा को भी मनाते हैं। ठीक है, आगे है, एज द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर एसोसिएटेड विथ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स। इसका मतलब यह हुआ कि एज द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, जैसे वैसे सिक्किम के लोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, फॉलो बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म को मानते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, मतलब इसलिए जो त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं वे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के त्यौहारों से जुड़े होते हैं। ठीक है, संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे है, द पॉपुलर फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट इंक्लूड, मतलब वहाँ के मुख्य त्यौहार जो वे लोग मनाते हैं वह कौन कौन सा त्यौहार है। देखिए, यह वहाँ का त्यौहार है लोसर, है ना, उसके बाद क्या है सागा दावा, ठीक, उसके बाद देखिए लबाब, उसके बाद है धूचिन, ठीक है, उसके बाद है देखिए फंग लबसोल, उसके बाद है द्रुक्का तेसी, ठीक है, उसके बाद है बुमचू, उसके बाद है लुसुंग, उसके बाद है तिहार, उसके बाद है दसेन और क्रिसमस। तो ये सब त्यौहार जो है वह मुख्य रूप से सिक्किम के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आशा आप इस अध्याय को अच्छे समझे होंगे। अब इसके बाद आपका यहाँ पे यह अध्याय खत्म हुआ। अब आगे हम लोग कुछ प्रश्न हैं इसका जवाब ढूंढते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का आंसर देना है। पहला है, व्हाई इज सिक्किम कंसीडर्ड ए टीनी स्टेट, मतलब सिक्किम को छोटा राज्य क्यों समझा जाता है। तो बिकॉज सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एंड इट्स एरिया इज ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाई विच प्लेटिव इज सिक्किम बाउंडेड इन द नॉर्थ, व्हाट इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब ये सिक्किम नॉर्थ में किस पठार से घिरा है और भारत के उत्तर में क्या है। तो सिक्किम इज बाउंडेड बाई तिब्बतियन प्लेट्यू इन नॉर्थ एंड हिमालय इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक, आगे है, वेन डिड सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया, वेन डिड बिहार बिकम ए स्टेट। इसका होगा, सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975 में माना, एंड बिहार बिकेम ए स्टेट ऑन 22nd मार्च 1912। आगे है चार नंबर प्रश्न, द वर्ड सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन, कैन यू टेल हाउ हैज बिहार गोट इट्स नेम। इसका आंसर होगा, सिक्किम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सू एंड खाइम, सू मीन्स न्यू एंड खाइम मीन्स पैलेस। बिहार गोट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड बिहार बिकॉज देयर वेर मेनी बुद्धा विहार हेयर। ठीक है, अगला है पाँच नंबर, हु आर द प्राइम इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम। तो इसका आंसर होगा, द प्राइम इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम आर लेप्चा, नेपालीज एंड भूटियाज। ठीक है, अब आगे है, थिंक एंड राइट, मतलब आपको बताना है इसमें कौन सही है कौन गलत है, मतलब ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, पहला है, सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनियस स्टेट इन वेस्टर्न हिमालयज, सिक्किम कह रहा है कि पूर्वी हिमालय में स्थित है। नहीं, सिक्किम ये यहाँ वेस्टर्न का मतलब था पश्चिमी हिमालय में है ना, यहाँ कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में, लेकिन यह गलत है, सिक्किम कहाँ है, पूर्वी हिमालय में है। ठीक है, तो यह तो गलत हो गया। आगे है, सिक्किम बिकेम 21st स्टेट ऑफ इंडिया 1975, नहीं यह भी गलत है क्योंकि सिक्किम 22वां राज्य था। ठीक, आगे है, गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सही है, सिक्किम का राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। इंग्लिश एंड हिंदी आर नॉट स्पोकन इन सिक्किम, गलत है, इंग्लिश और हिंदी वहाँ बोली जाती है ना, इसमें कह रहा है कि नहीं बोली जाती है। आगे है, सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमम इन इंडिया, सिक्किम में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है, सही बात है, पढ़ें आप। आगे है, द मिनरल माइंस इन सिक्किम आर गोल्ड एंड सिल्वर, सिक्किम में गोल्ड और सिल्वर सोना और चांदी निकलता है, नहीं गलत है, सोना चांदी नहीं निकलता वहाँ, आप पढ़ें। आगे है, द पीपुल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो हिंदुइज्म, यह भी गलत है क्योंकि सिक्किम के लोग मुख्य रूप से बुद्धिज्म को मानते हैं। ठीक, अब आगे है, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए, पहला सवाल है, राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम, सिक्किम का बाउंड्री आपको लिखना है, आप यहाँ से लिखें, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, सारा इसमें आ जाएगा आपको। ठीक,
अगला प्रश्न है 2 नंबर, व्हाट इज द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम, व्हाट डज इट मीन, मतलब सिक्किम का तिब्बतीय नाम क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, द तिब्बतीय नेम फॉर सिक्किम इज डेंजोंग विच मीन्स, जिसका मतलब है वैली ऑफ राइस। ठीक है, अगला प्रश्न है विच इज द गार्जियन डाइटी ऑफ सिक्किम, सिक्किम का के लोग किसको अपना देवता मानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द गार्जियन डाइटी ऑफ सिक्किम इज कंचनजंगा एंड इट इज वर्ल्ड्स थर्ड हाइएस्ट पीक। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, व्हाट आर द चीफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन सिक्किम। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा, फ्लोरा ऑफ सिक्किम में है ना, 2-4-5 को जानवर का नाम लिख दीजिएगा यहाँ से, ये जानवर कह रहे हैं पेड़ पौधा का नाम लिख दीजिएगा यहाँ से, ठीक है 2-4-5 को, फिर उसके बाद फौना ऑफ सिक्किम में है ना, यहाँ से 2-4-5 को जानवर का नाम लिख दीजिएगा, हो गया। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिक्किम, राइट देम इन देयर रेस्पेक्टिव हेड क्वार्टर्स, डू यू नो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर स्टेट, मतलब सिक्किम में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं है ना, और उन जिलों का हेड क्वार्टर का क्या नाम है, आपको इसके आंसर में बताना है। और यह भी पूछ रहा है कि आपके राज्य में कितने जिला है। ठीक, देखिए सिक्किम के बारे में जो पूछ रहा है आप उसको आंसर तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक है ना, 4 जिला का नाम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ कहाँ है, गंगटोक, गेजिंग, मंगन और नामची। ठीक, यहाँ सिक्किम के बारे में तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद पूछ रहा है कि डू यू नो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर स्टेट, कि अब हमारे स्टेट में कितने राज्य हैं। तो आपको पता है आप बिहार राज्य में हैं, तो बिहार राज्य में कुल कितने जिला है, तो बिहार राज्य में कुल 38 जिला है, हो गया। आप लिख दीजिएगा कि देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स आर डिस्ट्रिक्ट इन आवर बिहार, हो गया। अगला है विच बर्ड्स आर फाउंड इन सिक्किम, नेम सम ऑफ देम। इसका आंसर आप देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा, द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड, 2-4-5 को बर्ड का नाम यहाँ से लिख दीजिएगा, हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है 3 नंबर, राइट अबाउट द इनहेबिटेंट्स एंड लैंग्वेजेज ऑफ सिक्किम, सिक्किम के इन निवासी और वहाँ के भाषा के बारे में बताएं। इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्किम इज मतलब इन वहाँ का जो निवासी है उसके बारे में भी है, लेपचा, नेपाली और भूटिया लोग है फिर, ठीक, और वहाँ का जो भाषा है उसके बारे में भी यहाँ पर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अगला प्रश्न है विच आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया का मुख्य त्यौहार क्या 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 है। ठीक, तो दशहरा, दिवाली आप पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप खुद से अपने से दे, या बहुत हल्का प्रश्न है, दशहरा है, दिवाली है, या भारत का पर्व है। ठीक, आप लिख देंगे, इसके बाद भी और भी बहुत सारे पर्व हैं, उन सब का नाम आप लिख देंगे। इसके बाद है कैन यू नेम सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार, अब पूछ रहा है कि बिहार के कुछ त्यौहारों का नाम बताएं, जो ऐसा त्यौहार जो बिहार में मनाया जाता है। तो देखिए बिहार में मुख्य रूप से छठ मनाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ही बहुत सारा त्यौहार मनाया जाता है, उसको आप खुद से लिख सकते हैं, है ना। द फेस्टिवल्स ऑफ बिहार आर छठ, है ना, इसके अलावा जो भी आपको आए मन में आप लिख दें। ठीक है, अब आगे है देखिए वर्ड स्टडी, इसमें क्या करना है, इस वर्ड्स को देखकर इसी में से चुन के आपको इसमें भरना है। ठीक, देखिए पहला है सिक्किम इज इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, इसमें क्या होगा, ईस्टर्न हिमालयाज। आगे है लिटरली गैंगटोक मीन्स, मतलब गैंगटोक का मतलब यहाँ हाई हिल्स होगा। ठीक है, गंगटोक का मतलब होता है हाई हिल्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ को गंगटोक कहते हैं। अगला है द आर्किड डेंड्रोबियम नोबिल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, आर्किड डेंड्रोबियम नोबिल जो है सिक्किम का राजकीय ये फूल है। ठीक, आगे है द मिनरल्स डैश इन सिक्किम आर कॉपर, मिनरल्स माइंड, ठीक है, माइंड मतलब खाना, ये खाना जाता है यह सब, क्या क्या, कॉपर, डोलोमाइट, यह सब। ठीक, आगे है द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली डैश बुद्धिज्म, फॉलो बुद्धिज्म, है ना, FOLLOW, मतलब सिक्किम के लोग मुख्य रूप से बुद्ध धर्म को मानते हैं। अगला है द पॉपुलर डैश ऑफ सिक्किम आर लोसर लोसुंग, मतलब पॉपुलर फेस्टिवल्स, त्यौहार। ठीक है, सिक्किम का पॉपुलर फेस्टिवल त्यौहार क्या क्या है, लोसर है, लुसोंग है ना, और भी बहुत सारा है, आप पढ़ें। अब देखिए इसी में आगे कह रहा है गिवेन बिलो आर सम जंबल्ड वर्ड्स रीअरेंज देम टू गेट वर्ड्स, मतलब नीचे आगे जो आपको वर्ड्स दिया हुआ है यह सब
जंबल किया हुआ है, मतलब गलत सलत लिखा हुआ है, इधर उधर किया हुआ है, आपको सही करना है। जैसे देखिए इस वर्ड को इधर से उधर करके क्या बना दिया है, वैली। वैली मतलब क्या होता है, घाटी होता है, ठीक। वैसे ही देखिए आप इसको रीअरेंज करेंगे, इसको मिलाएंगे तो यह हो जाएगा माउंटेनियस हो जाएगा, ठीक है। MOUNTAINOUS माउंटेनियस मतलब क्या होता है, पहाड़ी, ठीक। अब देखिए उसी तरह इसको आप रीअरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड मतलब BOUNDED बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, ठीक है। उसी तरह आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा बेस्ट, BEAST बेस्ट मतलब होता है ये जानवर, ठीक है, पशु। देखिए उसी तरह इसको आप रीअरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल मतलब क्या होता है, त्यौहार होता है। इसको रीअरेंज करें आप, यह क्या हो जाएगा माइन, माइन मतलब खान, ठीक है। अब देखिए आगे है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम वन, इस कॉलम से इस कॉलम में क्या करना है आपको, मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले टीनी, टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा मतलब स्मॉल, है ना, टीनी मतलब स्मॉल, ठीक है। आगे है किंगडम, किंगडम यह हो जाएगा एम्पायर, ठीक है, यह साम्राज्य होता है किंगडम का मतलब, और यहाँ एम्पायर का मतलब भी साम्राज्य, ठीक। बर्डन का मतलब होगा लोड, है ना, बोझ, ठीक। बाउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ, इसका सराउंडेड मतलब भी होता है घिरा हुआ। आगे है प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, ग्रोवर मतलब ही उत्पादक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिला लिए। अब आगे ग्रामर है, ग्रामर तो बहुत सारा है, इसको तो पढ़ाने में और ही बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा है, इसलिए हम ग्रामर को नहीं टच करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक, यहाँ पर आपका यह वीडियो ख़त्म हुआ, अध्याय भी ख़त्म हुआ, आपने पढ़ा अच्छे से, समझा अच्छे से हर चीज़ को एक एक करके। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।